हेलो एवरीवन, टुडे आई विल टेल यू केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। पहले हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर हम मेटल्स को रिएक्ट ऑक्सीजन से कर दें तो हम क्या बनेगा। मेटल इज़ रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटलिक ऑक्साइड। मेटल को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, मेटलिक ऑक्साइड। सम हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड। दैट इज वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर जनरली स्टोर इन केरोसिन। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। सम मेटल्स लाइक आयरन एलुमिनियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली इन ऑक्सीजन, दे गेट टर्निश्ड। टर्निश्ड मीन्स क्या होता है, टू बिकम डल एंड नॉट शाइनी। जब मेटल जैसे आयरन एलुमिनियम एंड मैग्नीशियम है, अगर वो रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन से तो वो टर्निश हो जाएंगे, मतलब डल हो जाएंगे, उसमें उनमें शाइन नहीं रहेगी। वेन लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्लियर हुआ, ये इसका रिएक्शन है, या पढ़ लेना। सम मेटल्स लाइक कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन व्हेन स्ट्रॉन्गली हीटेड, बट सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट इजीली रिएक्ट विद ऑक्सीजन। आयरन कॉपर जिंक आर सम मेटल्स दैट गेट रस्टेड ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर। क्लियर हो रहे हैं आपको ये पॉइंट्स। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन इज गिवन बिलो। सोडियम मैग्नीशियम जिंक आयरन कॉपर, ये ऑर्डर है मेटल्स का जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं। ठीक है, जिनको जैसे कहते हैं ना जंग लग जाता है, तो जब वो मेटल्स रिएक्ट होंगे ऑक्सीजन के साथ तो उनमें क्या लग जाता है, जंग। रिएक्शन विद वाटर, मोस्ट मेटल्स रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म इधर ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सम हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम रिएक्ट्स वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। सोडियम प्लस वाटर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर हुआ, जब हम सोडियम का वाटर से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेटल लाइक गोल्ड सिल्वर एंड प्लैटिनियम डू नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम, दे आर कॉल्ड नोबल मेटल। रेड हॉट आयरन रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल जैसे गोल्डन हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनियम हो गया, ये रिएक्ट नहीं करते स्टीम के साथ और इन्हें हम क्या बोलते हैं, नोबल मेटल। रेड हॉट आयरन रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म इट ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। जब रेड हॉट आयरन रिएक्ट होता है स्टीम के साथ तो क्या फॉर्म होता है उसका, ऑक्साइड फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस। हमेशा वाटर से जब रिएक्ट होगा तो हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन ऑक्साइड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन नॉन मेटल। नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटलिक ऑक्साइड। नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म हुआ, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द एयर एट रूम टेम्परेचर। द ऑक्सीजन फॉर्म बाय नॉन मेटल्स आर एसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना, फॉर्म क्या हुआ, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जो नॉन मेटल है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो वो एसिडिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं नेचर में। क्लियर हुआ आपको, जनरली रिएक्ट नहीं होते ऑक्सीजन के साथ इनसे। वाइट फॉस्फोरस इज एन एक्सेप्शन, इट रैपिडली बर्न्ड इन एयर
at room temperature to form its oxides. It is thus stored in water. जो white phosphorus है वो जल्दी से burn हो जाता है air में room temperature पर भी, इसलिए उसे हमेशा पानी में store करके रखते हैं. Phosphorus plus oxygen क्या form हुआ? Phosphorus pent oxide. क्लियर हुआ आपको? नाउ एक्शन ऑफ वाटर और नॉन मेटल, ये आप अपने आप रीड करेंगे. अगर आपको कुछ क्लियर ना हो तो आप मेरे से पूछना. ये आपको कंपैरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो अभी पढ़ाई थी उसका कंपैरिजन है, ये आप खुद रीड करेंगे. नाउ यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सम यूजेस ऑफ मेटल्स आर एज फॉलो. देखो मेटल जैसे है कॉपर और एलुमिनियम, वो किस लिए यूज़ होता है? इलेक्ट्रिकल वायर के लिए, जिससे टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. यूटेंसिल्स और टूल्स मशीन्स भी मेड किससे होती है? कॉपर से, आयरन से और एलुमिनियम से. एलुमिनियम इज़ यूज टू मेक फॉइल, फॉइल पेपर जो बनता है जिसमें हम अपना खाना रैप करते हैं. आयरन इज़ यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग और ब्रिजेस में भी आयरन का यूज़ होता है. गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आर यूज टू मेक ज्वेलरी. मैग्नीशियम इज़ यूज टू फायरवर्क. मैग्नीशियम किस लिए यूज़ होता है? फायरवर्क में होता है. एज इट बर्न्स विद डेजिंग वाइट लाइट. टिन इज़ यूज फॉर मेक कुकिंग यूटेंसिल्स. जो टिन है वो कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए यूज़ होता है और इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर्स के लिए. मर्करी इज़ यूज थर्मोमीटर. मर्करी किस में यूज़ होता है? थर्मोमीटर में. थर्मोमीटर पता है ना आपको क्या होता है? उसमें क्या यूज़ होता है? मर्करी. क्योंकि मर्करी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है, इसलिए वो थर्मोमीटर और CFSL में यूज़ होता है. सोडियम, टाइटेनियम एंड जिरकोनियम आर यूज इन स्पेस रिसर्च. लेड इज़ यूज फॉर मेकिंग एक्सरे शीट, शील्ड एंड बुलेट्स. सम यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स. ये तो हमारे मेटल्स के यूजेस थे, अब नॉन मेटल्स के कौन कौन से हुए? ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग्स. इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ बर्निंग. क्लियर हुआ? विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग नहीं होता. ऑक्सीजन किस लिए ज़रूरी है? रेस्पिरेशन के लिए. कार्बन इज प्रेजेंट इन न्यूट्रिशन लाइक विटामिन, फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बन कहाँ का प्रेजेंट रहता है? हमारे न्यूट्रिशन में प्रेजेंट रहता है. और कार्बन प्रेजेंट रहता है एलोट्रोपिक फॉर्म में डायमंड, ग्रेफाइट, कॉल एंड चारकोल में. डायमंड इज यूज एज ए जेम स्टोन. ग्रेफाइट इज यूज टू मेक इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल. डायमंड किस लिए यूज़ होता है? जेम स्टोन के लिए. और ग्रेफाइट इज़ यूज टू इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई स्किन. और ग्रेफाइट इज़ ऑल्सो यूज इन अ पेंसिल लीड. क्लियर हुआ? पेंसिल की लीड में भी क्या लगा हुआ है? ये ग्रेफाइट. हाइड्रोजन इज यूज एज अ फ्यूल. आयोडीन इज यूज एज एन एंटीसेप्टिक विच इज अप्लाइड ऑन कट एंड वाउंड. आयोडीन यूज होता है एंटीसेप्टिक मेडिसिन के लिए, जो हम अपने कट और वाउंड में लगाते हैं. इट इज़ यूज टू प्रिपेयर आयोडीन सॉल्ट. और ये यूज़ होता है आयोडाइज सॉल्ट के लिए भी, जिससे हमारा आयोडाइज सॉल्ट प्रिपेयर होता है. नाइट्रोजन इज यूज टू प्रिजर्व फूड. लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज टू प्रिजर्व ब्लड एंड अदर डोनेट ऑर्गन्स. क्लियर हुआ आपको ये मेटल और नॉन मेटल के यूजेस? एक बार आप दोबारा से इनको रीड करना, और अगर आपको कुछ भी क्वेरी हुई तो आप मेरे को पूछना. सो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज़ कम्प्लीट. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस यू कैन आस्क मी. थैंक यू.